हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का साइंस देखेंगे, चैप्टर 1 का पार्ट 2। ओके, चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे 1.3 से पदार्थ की अवस्थाएं। ओके, पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे। देखिए, अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर है? ठोस, द्रव और गैस तीन रूप में होते हैं। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, सभी ये सिर्फ तीन रूप में ही पाए जाते हैं। पहला है ठोस, देखिए पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। पदार्थ के मुख्यतः तीन रूप ही होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। तो देखिए, पदार्थ का तीन अवस्थाएं अभी हम लोग देखे हैं। पहला देखिए ठोस है, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो ये तीन अवस्थाएं के पीछे क्या कारण है? तो मेन कारण है उनकी जो कण है। क्लियर है? जो मतलब पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना है, कणों की विशेषता। ओके, कणों की विशेषता के कारण ही पदार्थ तीन रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए, अब हम पदार्थ की तीन अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पदार्थ के तीन रूप हम लोग देख लिए, तीन रूप को याद करके रखना है। पहला देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठोस, द्रव और तीसरा है गैस। क्लियर है? ये तीन पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे ठोस अवस्था। क्लियर है? ठोस अवस्था। तो चलिए बढ़ते हैं 1.3.1 की ओर। देखिए, ठोस अवस्थाएं क्रियाकलाप यहाँ पर दिया हुआ है कि 1.9। क्लियर है? चलिए हम लोग 1.9 को पढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पहला देखिए, पेन एकत्रित करना है, किताब एकत्रित करना है, सुई और लकड़ी की छड़। ओके, लकड़ी का कोई भी टुकड़ा ले लेना है, उसके बाद क्रियाकलाप को आगे बढ़ाना है। तो चलिए हम लोग क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर उनके आकार का रेखाचित्र बनाइए। क्लियर है? मानकर चलिए ये हमारा पेंसिल है इस तरीके से। ओके, पेंसिल है, तो पेंसिल को ही हम लोगों को इस तरीके से उसके चारों ओर बाउंड्री बनाना है। क्लियर है? और मतलब पेंसिल का शेप के आकार का बनाना है। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? तो देखिए, इनका आकार तो आयतन और इसका जो सीमाएं हैं स्पष्ट ही दिखेगा। क्लियर है? आप जितना बार बनाइएगा, पेंसिल का आकार सेम रहेगा, अगर ये सेम पेंसिल लिए हैं तब। उस पर देखिए, इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? अगर इन पर जैसे कि पेंसिल हो गया या फिर लकड़ी का टुकड़ा हो गया, इन पर आप हथौड़ा मारिएगा, खींचिएगा, इनको गिराइएगा, तो इन पर क्या असर होता है, इसको नोट करना है। उसके बाद आगे देखिए, क्या इनका एक दूसरे में परिसरण संभव है? परिसरण मतलब होता है मिलना। क्लियर है? परिसरण मतलब मिलना। क्या हम लोग पेंसिल और एक रबर को एक जगह रख दे तो क्या आपस में दोनों मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए आगे, नेक्स्ट, बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? मतलब अब देखिए, एक पेंसिल लेना है, उसके बाद उसको जोर से संपीड़ित करना है, मतलब प्रेशर देना है। तो प्रेशर दीजिएगा तो क्या वो मतलब अपना शेप चेंज कर लेगा? ऐसा तो नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग देखें कि जो ठोस होता है, क्लियर है, उसका क्या होता है, सीमाएं स्पष्ट होता है, स्पष्ट सीमाएं होता है, निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन भी होता है। इसको ध्यान देना, ये तीन चीज। ओके, पहला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होता है, स्पष्ट यानी कि एक निश्चित आयतन होता है, तथा हथौड़ा मारने पर, खींचने पर, गिराने पर इन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर देखिए, और इन पर कोई मतलब एक दूसरे पर ये विसरण भी नहीं करते हैं। जैसे कि मैं दूध लाऊं एक बोतल और एक बोतल पानी लाऊं, दोनों को अगर डाल दूंगा एक ही बोतल में, बड़ा बोतल में, तो दोनों मिक्स हो जाएगा। लेकिन द्रव के केस में ऐसे होता है। क्लियर है? द्रव के केस में। लेकिन अगर हम लोग ठोस की बात करें, जैसे मैं एक कटोरा लिया हूँ, उसमें पेंसिल रख दूंगा, उसके बाद उसमें मैं कुछ रबर रख दूंगा, पेंसिल रबर तो मिक्स नहीं होगा। तो इस तरीके से जो ठोस होते हैं विसरण नहीं करते हैं। अब नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ है, उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, देखिए एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आकार, स्पर्श सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ता होती है। नगण्य संपीड़ता कहने का मतलब उसको दबाने से वो मतलब प्रेशराइज नहीं होगा। अगर देखिए, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं। देखिए, जबरदस्ती हम लोग बल लगाएंगे, जैसे कोई पेंसिल है, पेंसिल में हम लोग जबरदस्ती बल लगाएंगे तो पेंसिल टूट जाएगा। क्लियर है? लेकिन संपीड़ित नहीं होगा। अगर देखिए, लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है। क्लियर है ना? इसका आकार नहीं बदलेगा, पेंसिल को जितना भी हम लोग प्रेशराइज करें टूट जाएगा, लेकिन अपना आकार नहीं बदलेगा। टूटने के बाद तो आकार बदलेगा, लेकिन वो अलग चीज हो गया। अगर देखिए, इसीलिए ये दृढ़ होते हैं। क्लियर है ना? मतलब ठोस जो पदार्थ, वैसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, वे क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब
रिजिड ओके मजबूत होते हैं। अगर देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अब यहाँ पर विचार करना है, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, ए नंबर में एक रबर को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। तो देखिए एक रबर बैंड है, जैसे कुछ लोग कलाई में पहनते हैं रबर बैंड या फिर रबर बस नॉर्मल रबर ले लीजिए, तो उसको खींचने से उसका आकार बदलता है, क्लियर है। तो ये इसको हम लोग ठोस में रखेंगे या नहीं रखेंगे, ठोस है या नहीं है एक रबर, तो बाद में देखेंगे आंसर हम लोग। पहले मतलब बी नंबर फिर से पढ़ लेते हैं, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तन के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है। तो देखिए चीनी या नमक का बात करें तो हम लोग उसको अगर कटोरा में रखते हैं तो चीनी कटोरा शेप ले लेता है, अगर हम लोग गिलास में रखते हैं उसको तो गिलास शेप ले लेता है, तो क्या जो चीनी है या फिर जो नमक है ये ठोस है या नहीं है, इस पर भी विचार करेंगे हम लोग। अगर देखिए सी स्पंज क्या है, तो देखिए स्पंज सबसे पहले समझिए, आप लोग कभी ना कभी सीट पर तो बैठे होंगे या फिर आपके घर में सोफा होगा या फिर नहीं भी होगा तो फिर कभी ना कभी सीट पर या फिर मतलब बाइक के सीट पर या फिर ट्रेवलिंग करते वक्त आप बस पर तो बैठे होंगे, स्पंज रहता है सीट में, देखिए उसको दबाने से दब जाता है लेकिन उसको हम लोग छोड़ेंगे तो फिर अपना नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, देखिए स्पंज उसको बोलते हैं, क्लियर है स्पंज। यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों। तो देखिए जो ये स्पंज है, क्लियर है ना, स्पंज है ये ठोस है लेकिन इसको हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं, इसका क्या कारण है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पर तीन क्वेश्चन देखें हम लोग, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आ सकता है, अगर नहीं भी आएगा तो ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझना है। पहला देखिए रबर, हम लोग अभी अभी पढ़े कि ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है लेकिन रबर को तो हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं। सेकेंड है कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है लेकिन चीनी और नमक के केस में तो ये उल्टा हो जा रहा है कि जिस बर्तन हम लोग रखेंगे चीनी को उसी बर्तन का शेप ले लेगा, नमक के साथ भी सेम है, और स्पंज जो जिसे सीट बनता है, क्लियर है, सीट बनता है जो थोड़ा मतलब सॉफ्ट होता है, तो इसको हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं। तो क्या ये ठोस है या नहीं है, या फिर ठोस है तो संपीड़ित कर पा रहे हैं इसको, क्यों, क्या कारण है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं, ये सभी ठोस ही है, देखिए ये सभी ठोस ही है क्योंकि देखिए इधर आंसर है, बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, क्लियर है। तो देखिए हम लोग अभी देखिए कि रबर या फिर जो हाथ में पहनते हैं हैंड बैंड रबर से बनता है, तो इसको हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं या फिर खींच कर इसका आकार बड़ा कर सकते हैं, तो ये हम लोग बाह्य बल लगा रहे हैं इसीलिए वो उसका आकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जब हम लोग इसका मतलब खींचना बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, क्लियर है, बाह्य बल को हटा देंगे तो ये अपना नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो जो रबर का बैंड है वो संपीड़ित या फिर उसमें खिंचाव है, लेकिन हम लोग जब उसमें फोर्स लगा रहे हैं, उसमें बल लगा रहे हैं, तब उसमें खिंचाव आ रहा है, अपने से नहीं आ रहा है, क्लियर है। जैसे हम लोग पानी का एग्जाम्पल ले, पानी को अगर हम लोग फर्स्ट पर डालते हैं उसके बाद उसको फैलाते नहीं है कि भाई तुम उधर उधर चल जाओ सब तरफ फैल जाओ, ऐसा तो होता नहीं, वो अपने से फैल जाता है, वहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा बल कुछ नहीं लगाते हैं, लेकिन रबर के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, रबर को खींचना पड़ता है, खींचने के बाद अगर हम लोग छोड़ देंगे तो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, तो नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जा रहा है उसको छोड़ने पर, बल हटाने पर नॉर्मल कंडीशन में आ जा रहा है इसीलिए वो ठोस है। सेकंड देखिए, चाहे हम शर्करा यानी कि चीनी, ओके चीनी को शर्करा कहा जाता है, चीनी या नमक अपने हथेली में ले या किसी प्लेट या जार में रखे, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। तो देखिए क्रिस्टल, यहाँ पर क्रिस्टल समझना है, क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल मतलब होता है छोटा सा कण, चीनी का एक छोटा सा कण, क्रिस्टल किस तरीके से रहता है, कुछ इस तरीके से, वेट उसका आकार कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा, बट जो भी रहेगा ये फिक्स रहेगा, मतलब एक बार इसका आकार इस तरीके से है चीनी का तो इसी तरीके से रहेगा, अगर गोल है चीनी तो गोल रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कटोरा कैसे ले लेता है तो क्या वो ठोस है या नहीं है, उसका क्रिस्टल को देखना है, चीनी का एक कण, चीनी का एक कण जो है वो उसका शेप उसका आकार उसका आयतन फिक्स रहता है, उसका एक कण को देखना है, हम लोग पूरे चीनी का डब्बा को नहीं देखना है, उसका सिर्फ एक कण को देखना है, एक क्रिस्टल को देखना है, तो क्रिस्टल का आकार आयतन सब फिक्स रहता है, इसलिए चीनी हो या नमक हो या फिर चावल का कोई दाना हो सब ठोस है। फिर देखिए तीसरा स्पंज के बारे में आते हैं हम लोग स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ओके स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, देखिए स्पंज के अंदर थोड़ा रिक्त स्थान होता है उसमें वायु भरा हुआ रहता है, जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। तो देखिए स्पंज है उसके बीच में जगह है, खाली खाली जगह है, कुछ इस तरीके से रहता है स्पंज, इस तरीके से
बहुत, अगर इसको हम लोग डीपली देखें, बहुत ज़्यादा जूम करें, क्लियर है, इसको हम लोग मैग्नीफाइंग करें बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके से स्पंज का शेप रहता है। बीच बीच में यहाँ पर देखिए जगह रहेगा आपका, जहाँ पर हवा भरा हुआ रहेगा, जिसे मैं ग्रीन कलर से इसको बताता हूँ, ये आसपास आपका हवा से भरा हुआ रहेगा, इधर भी हवा भरा हुआ रहेगा, बीच बीच में यहाँ पर ये आसपास हवा भरा हुआ रहेगा। तो जो जब हम लोग इसको प्रेशराइज करते हैं, इसको हम लोग दबाते हैं, संपीड़ित करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तब यहाँ से जो हवा है बाहर निकल जाता है, ओके, बाहर निकल जाता है, तो ये चिपक जाता है, कहने का मतलब छोटा हो जाता है, संपीड़ित हो जाता है। लेकिन जब हम लोग इसको छोड़ देते हैं तो फिर वापस कंडीशन में आ जाता है, हवा भर जाता है उसमें। रबर के केस में ही सेम हो रहा था, तो इसीलिए स्पंज भी एक ठोस है, इसमें इसको हम लोग संपीड़ित इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर हवा भरा रहता है, जब हम लोग दबाते हैं स्पंज को तो हवा बाहर निकल जाता है, और यही कारण है कि स्पंज को संपीड़न किया जा सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट है हमारा देखिए द्रव अवस्था, ओके, द्रव अवस्था 1.3.2, एक यहाँ पर क्रियाकलाप है उसको पहले कर लेते हैं हम लोग, क्रियाकलाप 1.10 के देखिए क्रियाकलाप है, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, फिर से एकत्रित करना है वस्तु, पहले देखिए हम लोग जो ठोस था उसमें एकत्रित किए थे, पेंसिल और लकड़ी का टुकड़ा एकत्रित किए थे वगैरह, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ जैसे कि जल एकत्रित करना है, खाना पकाने का तेल एकत्रित करना है, दूध एकत्रित करना है, जूस या फिर शीतल पेय, शीतल पेय के बारे में आप लोग जानते होंगे, शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक को बोला जाता है, शीतल मतलब ठंडा, पेय मतलब पेय पदार्थ जल टाइप का। अगर देखिए विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml का निशान लगा लें, ओके, 50 ml पर निशान लगा लें, तो कोई भी एक बीकर लेना है, कोई भी एक उपकरण लेना है, उस पर 50 ml पर निशान लगा देना है। देखिए इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होता है, देखिए इस जितना भी द्रव लिए हैं, जैसे कि हम लोग क्या क्या लिए हैं, जल को अगर हम लोग फर्श में डाल देंगे, खाना पकाने वाला तेल को फर्श पर डाल देंगे, जमीन पर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, दूध को डालेंगे तो क्या होगा, सब बिखर जाएगा, कॉमन सी बात है। किसी एक द्रव पर 50 ml यानी कि 50 ml मापक विभिन्न बर्तन में क्रमशः एक एक करके डालें, क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है, तो देखिए क्या करना है, इसमें एक बर्तन लेना है, मानकर चलिए ये मेरा हाथ एक बर्तन है, जस्ट कंसिडर इट, ओके, ये मेरा बर्तन है हाथ, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 50 ml मतलब मार्क कर लिया, चिन्ह कर लिया यहाँ पर कि 50 ml है। अब 50 ml है तो यहाँ पर हम लोग दूध डालेंगे, ओके, एक बार पहले दूध डालेंगे इसमें, उसके बाद 50 ml जो निकला है इसी को हम लोग कोई दूसरा बर्तन पर डालेंगे, क्लियर है, देखिए दूसरा बर्तन पर डालेंगे तो क्या वहाँ जब डालेंगे तो 50 ml ही रहेगा या फिर कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कॉमन सी बात है। यहाँ से हम लोग नाप कर 50 ml निकाले हैं, और कोई बर्तन पर, मान कर चलिए मैं एक जग पर रखता हूँ 50 ml पानी को, जग पर रखा 50 ml पानी को, तो क्या दूसरे जग पर यानी कि दूसरे मग पर अगर मैं रखूँ तो 50 से 100 ml नहीं ना हो जाएगा, 50 ml डाले तो 50 ml ही रहेगा, आयतन फिक्स रहेगा। लेकिन पहले हम लोग जग में डाले थे, क्लियर है, जग में डाले थे तो उसका आयतन कुछ मतलब आकार अलग रहेगा, हो सकता है जग चौड़ा रहेगा तो उसका जो आकार है थोड़ा सा चिपटा रहेगा, अगर हम लोग मग में डाल दें तो हो सकता है अगर मग पतला है तो उसका आकार कुछ और अलग हो सकता है। 50 ml का हम लोग, 50 ml जल का हम लोग प्लेट पर डालेंगे तो पूरा चिपटा सा उसका आकार रहेगा, लेकिन उसका अगर ग्लास में डालेंगे तो थोड़ा सा मतलब मोटा रहेगा, समझ में आ रहा है ना, कहने का मतलब देखिए ये एक हमारे पास कोई एक बर्तन है, इसमें हम लोग जल डाल देंगे तो इस तरीके से ये जल यहाँ पर रहेगा, 50 ml ही जल है ये, क्लियर है, इसका आकार अभी इस तरीके से, यहाँ पर 50 ml जल है, इसको ध्यान देना है 50 ml जल है। उसके बाद हम लोग एक और दूसरा बर्तन लेंगे, मान के चलिए मैं एक ग्लास लेता हूँ, ग्लास लेने के बाद मैं ग्लास में अगर इसे रखता हूँ इस तरीके से, ग्लास है 50 ml को, तो ग्लास में कुछ इस तरीके से यहाँ तक आएगा 50 ml अप्रोक्स यहाँ तक आएगा, तो क्या देखिए दोनों का आकार, देखिए इसका आकार देखिए और यहाँ वाला का आकार देखिए, दोनों का आकार तो सेम नहीं है लेकिन आयतन सेम है दोनों का, इसको ध्यान देना है, आयतन दोनों का सेम है, दोनों में 50 ml पानी ही है, क्लियर है, बस दोनों का आकार अलग अलग है, तो इसको ध्यान देना है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या द्रव का आकार एक समान है, आकार तो बिल्कुल भी एक समान नहीं है, मैंने कहा आकार एक समान नहीं रहेगा। देखिए द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़लने पर क्या यह आसानी से बहता है, आसानी से बहेगा ही, द्रव आसानी से बहेगा, पानी का एग्जांपल देख सकते हैं आप, फर्श पर डालेंगे तुरंत बह जाएगा। फिर आगे देखिए परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, क्लियर है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर नोट बना रहे हैं आप लोग तो इसे लिख लीजिए, ये स्टार यहाँ पर बनाकर,
देखिए द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, कहने का मतलब द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, उसका आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। क्लियर है? जो भी बर्तन में लोग रखेंगे उसी का आकार। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल है। तो देखिए जो द्रव है उनका आकार हमेशा बदलते रहता है, जिस बर्तन पर हम लोग उसको रखेंगे बर्तन का शेप ले लेगा, लेकिन देखिए ये तरल होते हैं, इसको ध्यान देना है, ये दृढ़ नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, तरल होते हैं। अगर देखिए लिखा हुआ क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्रियाकलाप 1.4 में हम लोग क्या किए थे, एक बर्तन लिए थे यानी कोई बिकर लिए थे, उसमें चीनी घोले थे। क्लियर है? चीनी घोले थे। चीनी क्या है? चीनी तो ठोस है हमारा, चीनी घुल गया था। क्लियर है? चीनी घुल गया था। क्रियाकलाप 1.5 में हम लोग लिए थे कुछ स्याही लिए थे और लिए थे हम लोग शहद लिए थे, हनी लिए थे, उसको भी हम लोग बिकर में घोलने का कोशिश किए थे तो वो भी घुल गया था। क्लियर है? चीनी यहाँ पर चीनी भी घुल गया था, दूसरा शहद भी घुल गया था। तो द्रव में ठोस और द्रव दोनों क्या होते हैं, विसरित होते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। क्लियर है? अब लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। क्लियर है? देखिए वातावरण बहुत सारा गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारा है। कुछ जो ऐसे गैस हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, कुछ ऐसे गैस हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो बहुत तरह का गैस वायुमंडल में यानी कि वातावरण में रहते हैं। क्लियर है? ये सभी जो गैस है कहाँ पर घुले रहते हैं, जल में घुले रहते हैं। अगर देखिए ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। तो देखिए ये जो गैस है, जैसे कि मुख्यतः गैस कौन कौन सा है, ऑक्सीजन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो गैस है जलीय जीव और पेड़ पौधे के लिए अनिवार्य है। जलीय जीव क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जलीय पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर देखिए सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। तो देखिए ठोस में विसरण बहुत ही कम होगा। क्लियर है? मैंने कहा था अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैंने कहा था कि अगर एक पेंसिल लेंगे एक रबर लेंगे, दोनों को रख देंगे सामने, विसरण नहीं होगा। लेकिन एक चीनी रखेंगे और नमक रखेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, चीनी रखेंगे नमक रखेंगे, विसरण नहीं होगा बट मिक्स तो होगा ना, समझ में आ रहा है, मिक्स होगा तो विसरण होता है बट बहुत कम। क्लियर है ना? तो ठोस में विसरण नहीं होता है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बट इतना होता है कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण अधिक होता है, जैसे ठोस है चलिए हो गया, लेकिन द्रव में बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है? हम लोग अगर एक जल लेंगे और जल में शहद डाल देंगे, मिक्स हो जाएगा पूरा, तो अधिक तो है ही। क्लियर है? लेकिन यहां पर ध्यान देना है, द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ये कारण है कि द्रव में मतलब क्यों विसरण अधिक होता है, अधिक तेजी से होता है, ये इसका कारण है। द्रव के जो कण हैं, क्लियर है, मैंने पहले बताया था लाइव क्लास में कि जितने भी पदार्थ हैं कणों से मिलकर बने हैं, तो कण हमेशा गतिशील रहते हैं। तो पदार्थ मतलब कि जो ठोस है उसका कण भी गतिशील रहता है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे द्रव से तो द्रव का अधिक गतिशील रहता है ठोस की अपेक्षा। तो द्रव का अधिक गतिशील रहता है तो अधिक उसमें विसरण होगा, घुलनशीलता अधिक पाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर याद रखना है कि द्रव के पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। क्लियर है? और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अब ठोस में देखिए रिक्त स्थान कम होगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रिक्त स्थान उसमें कम होता है और द्रव में अधिक होता है रिक्त स्थान। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 1.3.3 गैसीय अवस्था। तो देखिए गैसीय अवस्था को देखते हैं। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस की एक
एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। तो देखिए आप लोग बचपन में अभी भी देखते होंगे, एक अगर गुब्बारे वाला आया होगा या फिर आप मेले पर कभी गए होंगे तो गुब्बारे वाला क्या कहता है, एक सिलेंडर पर गैस भरे रहता है, क्लियर है। एक ही सिलेंडर से वो कितना ना जाने मतलब सैकड़ों बैलून को वो उसमें हवा भर देता है, सैकड़ों बैलून को फुला देता है। उससे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है, उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो देखिए यहाँ पर तो सिलेंडर है नहीं गुब्बारे वाला, तो हमें लोग पता करते हैं। तो देखिए एक जो सिलेंडर है उससे मतलब सैकड़ों हम लोग भर सकते हैं, सैकड़ों क्या हजारों भर सकते हैं, हजारों गुब्बारे में हवा भरा जा सकता है। अब देखिए जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, क्लियर। हीलियम गैस हल्का होता है इसलिए उसको भरा जाता है ताकि बैलून ऊपर जाता है, ऊपर जाता है बैलून, आप लोग देखे होंगे। ऊपर जाने का कारण यही है कि उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। आगे देखिए क्रियाकलाप 1.11, यहाँ पर देखिए 100 ml की 3 सिरिंज लें। ओके, सिरिंज मतलब आप लोग समझते होंगे सुई मिलता है, जब आप बीमार होते हैं तो सुई मिलता है उसी को बोलते हैं सिरिंज लें, और उनके सिरे पर रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है, कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर एक कॉर्क लेना है और यहाँ पर उसको बंद कर देना है, उसका जो ये ओपनिंग पॉइंट रहेगा इसको, क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सभी सिरिंज के पिस्टन को हटा दीजिए। पिस्टन मतलब देखिए ये सिरिंज तो रहता ही है, इस तरीके से सिरिंज रहता है और यहाँ पर निडिल रहता है उसका सुई देने वाला, और इधर आपका सुई रहता है लंबा सा और इधर सुई रहता ही है, और यहाँ पर देखिए क्या एक ब्लैक कलर का एक रबर रहता है, ब्लैक कलर का रबर रहता है। उसके बाद इधर यहाँ से इसको प्रेशर देने के लिए इस तरीके से बना हुआ रहता है, आई थिंक हम ठीक ठाक बनाए हैं, ये यहाँ पर ब्लैक कलर का रबर रहता है, तो ये रबर को ही हम लोग पिस्टन कह सकते हैं, क्लियर है। ये जो पिस्टन है और ये वाला पार्ट को पूरा, ये वाला हैंडल वाला को पूरा हटा देना है, तो बस खोखला बचेगा, जैसे कि नीचे चित्र में दिया हुआ होगा। देखिए ये वाला पिस्टन है, क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक ये पिस्टन को हम लोगों को हटा देना है। हटाने के बाद देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। पहला में क्या करना है, देखिए हवा भरना है, हवा रहने देना है, दूसरा में जल भरना है, तीसरा में कुछ चौक का कुछ टुकड़ा भर देना है। पिस्टन को वापस सिरिंज में डालिए, अब निकाले थे ये जो पिस्टन को ताकि इसमें हम लोग पानी भर सकें या फिर चौक का टुकड़ा भर सकें, वो भर लेने के बाद पिस्टन को डाल देना है। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें, वैसलीन लगाने से उसमें थोड़ा सा लुब्रिकेशन आ जाएगा, लुब्रिकेट हो जाएगा, तो फिर पिस्टन ऊपर नीचे आसानी से होगा। अगर देखिए अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें, अब उसमें क्या करना है, जो ये पिस्टन है इसको नीचे की ओर संपीड़ित करना है, प्रेशराइज करना है, नीचे दबाना है, तो देखिए क्या होगा। आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया, अपने परीक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया। तो देखिए पहला जो हम लोग हवा भरे थे, हवा वाला तो आसानी से चलाएगा, उसमें से कोई दिक्कत ही नहीं होगा, यहाँ पर खैर कॉर्क तो है बट यहाँ पर देखिए कॉर्क बंद है, इसको ध्यान देना है, कॉर्क यहाँ पर बंद है, तो हवा वाला इसको प्रेशराइज करेंगे तो इधर तो आएगा, क्लियर है, इधर आएगा, लेकिन यहाँ पर पहुँचने आखिरी आखिरी में वो बहुत टाइट हो जाएगा, पूरा हम लोग इधर नहीं मतलब पूरा हम लोग इसको यहाँ तक, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है यहाँ तक हम लोग नहीं सटा सकते हैं, इसको ध्यान देना है। लेकिन अगर चौक है इसमें, क्लियर है, चौक है इसमें, तो चौक जहाँ तक है उससे थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, या फिर चौक तक हम लोग इसको पहुँचा सकते हैं, ये वाला जो ब्लैक पार्ट है उसको, और अगर जिसमें पानी है, क्लियर है, जिसमें पानी है उसका तो बिल्कुल थोड़ा सा आएगा, मान के चलिए यहाँ तो पूरा पानी भरा हुआ है तो बस आप इसको इतना सा प्रेशराइज कर सकते हो, ये वाला पार्ट में ऊपर बस इतना सा, और पानी को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, क्लियर है। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ता यानी कि कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है, क्लियर है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाले द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जिसको हम लोग LPG कहते हैं, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास में भी था, क्लियर है। LPG का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। तो देखिए ऑक्सीजन गैस जो रहता है वो सिलेंडर में पैक रहता है जिसे मरीज लोग को दिया जाता है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में
संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं CNG, ओके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका भी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, का उपयोग होता है। देखिए CNG से बहुत कम धुआं निकलता है जिससे प्रदूषण ना के बराबर होता है, क्लियर है। तो इसलिए CNG यूज करना चाहिए अगर आप लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तब। अब आगे देखिए, संपीड़ता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। तो मानकर चलिए आपको गैस ट्रांसफर करना है यहाँ से कहीं और, ऑक्सीजन गैस मानकर चलिए, ओके। तो आप क्या कीजिएगा, उसको एक सिलेंडर पैक कर दीजिएगा संपीड़ित करके, मतलब बहुत सारा गैस को एक छोटा सा आयतन वाला एक सिलेंडर में पैक करके भेज सकते हो, बहुत ही आसान होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लाने में। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है, संपीड़न का, गैस का संपीड़न आसानी से होता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, मतलब किचन में जब मम्मी बनाती है मस्त मस्त पकौड़ी वगैरह तो हम लोगों को सेंट आता है, सब्जी अच्छा अच्छा बनता है तो हम लोगों को सेंट आता है, उसका मतलब गंध हमारे नाक तक पहुंचता है, ये कैसे संभव है। देखिए ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है, खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं, क्लियर है। तो देखिए हवा में जो खाना मम्मी पकाती है उसका गंध हवा में मिल जाता है, उसके बाद हवा के द्वारा हवा से फैलते फैलते हवा से होते होते उसका कण यानी कि भोजन का कण हमारे नाक तक पहुंचता है, इसलिए हम लोगों को उसका गंध महसूस होता है। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं, पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है, इसकी तुलना ठोस और द्रवों के विसरण से करें। तो देखिए ठोस और द्रव में जो विसरण होता है उसकी अपेक्षा गैस में विसरण बहुत जल्दी होता है। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि खाना पक रहा है, क्लियर है, खाना पक रहा है तुरंत आपको, अगर ज़्यादा दूर पर है फिर भी अगर हवा वहाँ तक जा रहा है तो तुरंत आपको सुनाई देगा या फिर आपको मतलब महक आएगा खाना का, लेकिन अगर हम लोग जल में कुछ घोले का बात करें तो धीरे धीरे घुलता है, क्लियर है। तो विसरण का जो प्रक्रिया है, ओके, विसरण का जो यहाँ पर प्रक्रिया है वह द्रव में थोड़ा कम होता है, उससे कम होता है ठोस में बहुत कम होता है, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा होता है द्रव में, और गैस में बहुत ज़्यादा होता है, विसरण बहुत ज़्यादा होता है किसमें, गैस में, इसको याद रखना है। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैस का, क्लियर है, गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। तो देखिए रिक्त स्थान भी अधिक होता है और इसका जो गैस का जो कण है, क्लियर है, गैस अवस्था में जो भी पदार्थ रहते हैं उनके कण बहुत अधिक गतिशील होते हैं, इसलिए इनका विसरण बहुत अधिक होता है। यहाँ पर एक देखिए दिया हुआ है डायग्राम, यहाँ पर देखिए ठोस है तो ठोस कुछ इस तरीके से रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान बहुत ही कम है, क्लियर, बहुत ही कम है और एकदम ये सटा सटा हुआ है सब कण, ये एक जो ब्लैक दिख रहा है आपका ये एक कण है, ये दूसरा कण है, ये वाला तीसरा कण है, ये चौथा कण है और कण के बीच में व्हाइट पार्ट दिख रहा होगा ये वाला आपका रिक्त स्थान है, ये सब क्लियर है, ये वाला रिक्त स्थान है आपका, व्हाइट दिख रहा है ये रिक्त स्थान है, ये हो गया आपका ठोस। अब देखिए द्रव में क्या होता है, ठोस से थोड़ा सा ज़्यादा रिक्त स्थान रहेगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ज़्यादा स्थान है, जो रेड रेड यहाँ पर पहले दिया हुआ है ऑलरेडी, एरो चिन्ह तीर चिन्ह दिया हुआ है, ये सब रिक्त स्थान है, क्लियर है। तो ये रिक्त स्थान ठोस से थोड़ा सा ज़्यादा है द्रव में, इसलिए द्रव थोड़ा सा ज़्यादा मूव करेगा, थोड़ा सा ज़्यादा हिलेगा ठोस की अपेक्षा, ओके, इसको ध्यान देना है। और जो द्रव का जो कण है वो ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा आपको, ये सब इसका कण है, इसको ध्यान देना है। अब जल्दी ये देखते हैं हम लोग गैस में, अब देखिए गैस में क्या है, रिक्त स्थान तो पूरा ठोस ठोस कर भरा हुआ है, देखिए इतना सारा पूरा इतना बड़ा बड़ा रिक्त स्थान, जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा रिक्त स्थान है, क्लियर है। और इसमें जो आपका कण है वो गति कहाँ कहाँ करेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक रिक्त स्थान में पूरा गति करेगा, तो रिक्त स्थान भी ज़्यादा है, गति भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए परिसरण भी गैस में बहुत अधिक होगा, इसको ध्यान देना है, ओके ना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या निकला है, अगर हम लोग देखें तो ठोस में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, क्लियर है, रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है और कण बहुत कम गतिशील होते हैं, द्रव में थोड़ा सा ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, थोड़ा सा ज़्यादा गति करते हैं कण, और गैस में बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है और गैस का जो कण है बहुत अधिक गतिशील होते हैं, इसको ध्यान देना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर चित्र तो हम लोग देख लिए हैं, नीचे कुछ है, देखिए गैसीय अवस्था में कणों की गतिशील अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो देखिए गैस अवस्था में जो कण है गैस का,
ये अनियमित होते हैं, मतलब कहीं भी इधर उधर रैंडमली, ये मानकर चलिए गैस का कण है तो ये इधर जाएगा उधर जाएगा इधर जाएगा इधर उधर इधर उधर कहीं भी जा सकता है, ये इधर उधर डांस करेगा और ये अत्यधिक होता है, बहुत अधिक तीव्र गति से इधर 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 उधर जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग द्रव का देखें तो उसमें तो स्थान थोड़ा कम होता है तो ये धीरे 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 जाएगा इधर उधर, और ठोस का तो बिल्कुल भी कम होता है तो बस थोड़ा सा अपने जगह पर हिलेगा इस तरीके से, जैसे मेरा ये सर जो ये पॉइंटर हिल रहा है इसी तरीके से हिलेगा धीरे धीरे। अब आगे देखिए, इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो देखिए मानकर चलिए ये कोई एक बर्तन है इस तरीके से, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये एक बर्तन है, क्लियर है, ये बर्तन है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कोई गैस भर देंगे इस बर्तन पर तो ये जो बर्तन का जो दीवार है, ओके दीवार है, इस पर भी गैस जो है दबाव डालेगा, क्लियर है, बर्तन की दीवार पर गैस दबाव डालता है। तो देखिए बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर ये बल के कारण गैस का दबाव बनता है, क्लियर है। तो ये सब क्लियर हो गया, वीडियो हम लोग बस इतना ही करते हैं, बाकी का वीडियो मैं नेक्स्ट कल अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस तरीके का जो पीडीएफ में पढ़ाने का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को इस तरीके का पीडीएफ में पढ़ना कैसा लगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे।